हेलो फ्रेंड्स, आज से हम देखेंगे कि जो हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस डिज़ाइन किए थे उन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का हमारे वीडियो लेक्चर्स में कैसे यूज करें। तो आपको अच्छे अच्छे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस कैसे बनाने हैं, या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में आइकन्स का कैसे यूज करें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में वीडियोज का कैसे इस्तेमाल करें, या इमेजेस का कैसे इस्तेमाल करें, ये इन सभी के बारे में अगर वीडियो देखनी हो तो मैंने कार्ड में इसकी लिंक दे रखी है, आप वहां जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और हमारा वीडियो लेक्चर्स तैयार करने के लिए कौन कौन से बेसिक चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। आगे चलने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, क्योंकि जो भी मैं टूल्स यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, या फिर यही टूल यूज करना है ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ये टूल्स मैंने यूज किए हैं अपने वीडियो लेक्चर्स डेवलपमेंट में, और मुझे लगता है कि कोई भी आसानी से इन टूल्स को यूज कर सकता है, इसलिए मैं इन टूल्स के नाम बताने जा रहा हूँ। तो हम पहले देखते हैं हमारे वीडियो क्रिएशंस के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ऑब्वियसली कंटेंट, बिकॉज विदाउट कंटेंट हम वीडियो लेक्चर को बना नहीं सकते हैं, और उसके बाद हमें चाहिए कुछ ऐसे टूल्स कि जिन टूल का यूज करके हम ये वीडियो लेक्चर्स तैयार करें। तो उन टूल्स में आ सकते हैं ऑडियो और साउंड रिकॉर्डिंग के लिए टूल्स आ सकते हैं, लाइट बहुत ज़रूरी होगी, उसके साथ साथ कैमरा ज़रूरी होगा, रिकॉर्डिंग के लिए कुछ रिकॉर्डिंग यूनिट की ज़रूरत होगी, और बाद में एट एंड हम जब अपना रिकॉर्डिंग फिनिश करेंगे तो हमें कुछ ऐसा टूल चाहिए होगा जो हमारे रिकॉर्डिंग को एडिट कर सके। तो सबसे पहले हम ऑडियो और साउंड के लिए जो भी जरूरी टूल्स है उन टूल्स के बारे में, तो पहले देखते हैं हम ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। आपको तो पता ही होगा कि माइक की जरूरत पड़ेगी, तो कौन कौन से टाइप के माइक्स होते हैं, तो हम भी देखते हैं टाइप्स ऑफ माइक। ये जो स्क्रीन पर आप माइक देख रहे हैं, इस माइक को बोलते हैं डायनेमिक माइक। ये माइक आपने बहुत बार देखा होगा। ये जो डायनेमिक माइक है, ये बहुत ही कम सेंसिटिव होता है, इस कारण एक्सटर्नल नॉइज इसमें कम ऐड हो जाता है। ये दूसरा टाइप देख रहे हैं, ये है हेडबैंड माइक, जो मैंने अभी पहना हुआ है। ये इस डायनेमिक माइक का ही एक छोटा रूप है, जो डायनेमिक माइक की तरह ही कम सेंसिटिव होता है एक्सटर्नल नॉइज। देन नेक्स्ट, तीसरा जो टाइप है वो है कॉलर माइक। बहुत बार आपने देखा होगा न्यूज एंकर्स वो कॉलर माइक इस्तेमाल करते हैं। कॉलर माइक बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ये छोटे से छोटे नॉइज को भी पिकअप कर देते हैं, इस कारण हमारे रिकॉर्डिंग में नॉइज आने की पॉसिबिलिटी ये कॉलर माइक की यूज करने के बाद ज़्यादा हो जाती है। और आखिरी टाइप है, हम जो डे टू डे प्रैक्टिस में यूज करते हैं, वो हेडफोन माइक। ये हेडफोन माइक और ये कॉलर माइक दोनों लगभग सेम टाइप के होते हैं, इसलिए इन जो भी कॉलर माइक के फीचर्स है वही हेडफोन के भी फीचर्स है। फिर हम चलते हैं पीसी और लैपटॉप में कहाँ कौन सा माइक यूज करना चाहिए। तो माइक कनेक्शन टू पीसी और लैपटॉप हम देखेंगे। तो आपने देखा होगा हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, उस पर्सनल कंप्यूटर में हमें दो पोर्ट्स मिलते हैं, अलग अलग पोर्ट्स। एक पोर्ट होता है हेडफोन के लिए और एक पोर्ट होता है माइक के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पिंक कलर का पोर्ट है वो माइक के लिए है, और ग्रीन कलर का पोर्ट है वो हेडफोन्स के लिए, मतलब यहाँ से आप ऑडियो इन एंड ऑडियो आउट दोनों भी पोर्ट्स सेपरेट है। ये होता है पीसी के लिए कनेक्शन का सिस्टम। और जो पुराने वाले लैपटॉप्स हैं, जिनके पास 2012 से पहले वाले लैपटॉप्स होंगे, उन लैपटॉप्स को भी ऐसे ही पोर्ट है। और जो नए लैपटॉप्स आते हैं जब, तो उस लैपटॉप को सिर्फ ऐसी ही आपको पोर्ट मिली होगी जिसमें आप हेडफोन यूज कर सकते हैं, जिसमें एक ही पोर्ट से आप ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ऑडियो इन भी दे सकते हैं, और ऑडियो आउट भी ले सकते हैं। लेकिन आपको अभी क्वेश्चन आ गया होगा कि अगर हमारे पास इनमें से कोई एक अवेलेबल होगी तो हम अपने रिकॉर्डिंग कैसे करें। ये देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि माइक जो हम यूज करने वाले हैं उसकी पिन कैसे होती है। अगर आप सिंपल सिर्फ माइक देखेंगे तो माइक की ऐसे ही पिन रहेगी। ये जो आप पिन देख रहे हैं, ये पिन का स्ट्रक्चर रहेगा साउंड सिस्टम का। और अगर आप माइक यूज कर रहे हैं
तो माइक की भी ऐसे ही पिन रह सकती है, या फिर सिंगल पोल वाली भी माइक को पिन आती है। लेकिन हमारे जो अभी नए वाले लैपटॉप्स है, स्मार्टफोन्स है, उनके साथ जो भी हेडफोन्स आते हैं, वो हेडफोन्स उन हेडफोन्स में आपको तीन पोल्स मिल जाए। तो अपने स्मार्टफोन के हेडफोन्स का आप अपने पीसी या फिर अपने पुराने लैपटॉप्स में रिकॉर्डिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। अपने स्मार्टफोन के हेडफोन्स का सिर्फ नए वाले लैपटॉप्स में ही आपको यूज होगा, ठीक है? नहीं तो आप अपने पीसी पर स्मार्टफोन के हेडफोन्स लगाएंगे, कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और बाद में जब आप देखेंगे तो आपकी वीडियो में साउंड ही नहीं होगा। ये अवॉइड करने के लिए आपको ये पहले देखना है, वेरीफाई करना है कि आपके पीसी को माइक और साउंड की पिन अलग अलग है या फिर एक ही पिन है, ठीक है? अलग अलग पिन है तो आपको वहां पे एक एडाप्टर लगाना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वो परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग के लिए हमें जरूरत होगी लाइट्स की। ये लाइट अपने रिकॉर्डिंग में हमें कहीं भी नहीं दिखेगी, लेकिन इसका हमारे रिकॉर्डिंग पे तैयार होने वाले वीडियो पे बहुत ही असर पड़ता है। तो हम देखेंगे कैसे लाइट्स का हम अरेंजमेंट करें। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए जो लाइट्स की अरेंजमेंट रहती है उसको कहते हैं थ्री पॉइंट लाइटिंग। जी हाँ, थ्री पॉइंट लाइटिंग कैसे रहती है ये थ्री पॉइंट लाइटिंग? फर्स्ट, ये रहती है की लाइट। जो भी आप जिस ऑब्जेक्ट का रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उस ऑब्जेक्ट पे जो आप ब्राइटनेस, हेवी ब्राइटनेस का लाइट्स का इस्तेमाल करते हो, उसको बोलते हैं की लाइट्स। दूसरी वाली लाइट होती है फिल लाइट। फिल लाइट का मतलब क्या? की लाइट जब आप अपने ऑब्जेक्ट पर डालते हो तो उस की लाइट के कारण कुछ शैडोज क्रिएट होते हैं, तो वो शैडो रिमूव करने के लिए हमें दूसरी लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो होती है सेकेंडरी लाइट, उसको कहते हैं फिल लाइट, ठीक है? और तीसरी लाइट जो जरूरी है वो है बैक लाइट। जी हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। आप देख रहे हो, सिर्फ मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, मेरा बैकग्राउंड, मेरे वीडियो में बैकग्राउंड आपको नहीं नजर आ रहा। अगर आपको ये बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो ये बैकलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ दोस्तों, ये बैकलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे कि किस लाइट की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए। तो अगर आप ऊपर से इन लाइट्स के पोजीशन का इमेज ले, तो अगर आप यहाँ पे बैठे हो, सब्जेक्ट यानी आप खुद यहाँ पे बैठे हो, आपके ठीक सामने होगा आपका कैमरे का लेंस या फिर आपका कैमरा, जो अभी मेरे सामने मेरा कैमरा मुझे शूट कर रहा है, ठीक है? उसके बाद आपकी लेफ्ट साइड में होनी चाहिए की लाइट, और उस की लाइट के शैडोज को फिल करने के लिए इधर से आ रही है फिल लाइट। जो आप बैकलाइट का यूज करोगे तो वो बैकलाइट टॉप लेफ्ट साइड से आपके शोल्डर्स पे लाइट होती रहेगी। तो इसका रेशियो कैसे आपको मेंटेन करना है? आपकी की लाइट जितने भी वैटेज की होगी उसके हाफ वैट की आपकी फील लाइट होनी चाहिए और अपनी बैकलाइट भी होनी चाहिए। लेकिन आपको एक प्रिकॉशन लेनी है, इन तीनों लाइट्स को इंस्टॉल करने के वक्त आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि इन तीनों में से कोई भी एक लाइट का डायरेक्ट आपके कैमरे के लेंस के ऊपर आना नहीं चाहिए, अदरवाइज के ब्राइटनेस के कारण आपका वीडियो भी ठीक से रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है? तो ये हो गई लाइट्स के बारे में। आपको लाइट्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तभी आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी आ जाएगी, ठीक है? तो उसके बाद हमें चलना है कैमरे की तरफ। तो कैमरा हम कैसे यूज कर सकते हैं या फिर कौन सा कैमरा हम यूज करें? आपके पास लैपटॉप है तो आपको कैमरा यूज करने की जरूरत ही नहीं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं भी है तो आप पीसी पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप एक्सटर्नल वेबकैम कनेक्ट कर सकते हैं। तो वेबकैम कौन से ले, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने वो भी लिंक डाल दी है कि कौन कौन से वेबकैम्स आपको आप यूज कर सकते हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। या फिर मैंने कार्ड में एक लिंक दी है और उस लिंक में मैंने बताया है कि अपने स्मार्टफोन को कैसे वेबकैम की तरह यूज करें। और दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा वो रहेगा DSLR कैमरा या फिर कैमकॉर्डर से रिकॉर्डिंग करना। आपको जो अवेलेबल है उस डिवाइस से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स की जरूरी है। और वो फीचर्स क्या है? अच्छी वीडियो शूटिंग के लिए आपको 720 पिक्सल का रिजोल्यूशन चाहिए, आपके कैमरे को 720 पिक्सल का रिजोल्यूशन चाहिए, और वो कैमरा ऑटो फोकस, ऑटो ब्राइटनेस जैसे फीचर से
लेस होना चाहिए। अगर इतने फीचर्स आपके कैमरे के हो तो आपका कैमरा बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर देगा। उसके बाद हमें जरूरत होगी रिकॉर्डिंग के लिए। तो रिकॉर्डिंग के लिए हमें क्या जरूरत है? ऑब्वियसली हमें जरूरत होगी पीसी या लैपटॉप। सिर्फ पीसी लैपटॉप होने से हमारा काम नहीं चलने वाला है, तो हमें रिकॉर्डिंग के लिए जरूरत है एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है OBS। जी हाँ, OBS। ये OBS क्या है? OBS मतलब ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर। जी हाँ, ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर का यूज होता है, लेकिन इससे आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। जी हाँ, आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कैसे करें रिकॉर्डिंग, ये मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा मैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे अगले आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये OBS के लिए आपको जरूरी क्या है, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होगी? तो सिस्टम रिक्वायरमेंट है आपके पास मिनिमम i3 प्रोसेसर होना चाहिए। सेकंड, आपके सिस्टम में 4GB रैम होनी चाहिए, तभी आपके सिस्टम पे OBS आसानी से रन हो जाएगा। थर्ड, आपके पास एटलीस्ट विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए, और ये जो सॉफ्टवेयर एनकोडर की बात मैंने यहाँ पे की है वो है हमारा OBS। उसके बाद हमें लगेगा वीडियो एडिटर। ये टूल हमारे वीडियो को फाइनल टच देने के लिए बहुत ही जरूरी रहेगा। इसके इस्तेमाल से हम वीडियोज में बैकग्राउंड म्यूजिक डाल सकते हैं और बहुत सारे इफेक्ट्स हम अपने वीडियो में दे सकते हैं। ये कैसे दे, ये भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक्नॉलेज करता हूँ, जो भी मैंने इस प्रेजेंटेशन में कंटेंट्स का यूज किया है, उन कंटेंट्स के लिए मैं एक्नॉलेजमेंट करता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए क्या जरूरी है इन बातों को समझे। और अगले वीडियो में मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि OBS का ठीक से रिकॉर्डिंग के लिए कैसे इस्तेमाल हो। थैंक यू।